क्या हुआ, क्या क्या बोल रहे हैं? तो वाला बोल रहे हैं कि मतलब भाषण दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है 22 तारीख को। अच्छा, और निकल जाना सब। अच्छा, तो गाड़ियाँ वगैरह सब बंद हो जाएगी। ऐसा ऑटो वाला बोल रहा है? हाँ। कहाँ पे? गणन नगर पांडासरा। क्या नाम है तुम्हारा? टप्पू। कहाँ जाना था तुमको? एमपी में, झापा जिला तहसील। ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની સુરતમાં કોરોના ફરીથી આઉટ ઓફ કંટ્રોલ થઈ ગયો છે. કોરોનાને કંટ્રોલ કરવા માટે સુરત મહાનગરપાલિકા તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો હાથ ધરી રહી છે, જોકે હાલ આ પ્રયત્નો નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. સુરત શહેરમાંથી સામે આવતા કોરોના કેસોને કારણે સ્થાનિક લોકોમાં લોકડાઉનની દહેશત પણ દેખાઈ રહી છે, ખાસ કર એ વિસ્તારોમાં જ્યાં પરપ્રાંતીય લોકો રહે છે અને તેઓ રોજીરોટી કમાવા માટે સુરતમાં રહી રહ્યા છે. એ લોકોને ડર છે કે કોરોનાના વધતા કેસોના કારણે જો લોકડાઉન આવી ગયું તો એ લોકો ફરીથી સુરતમાં અટવાઈ જશે. સુરતમાંથી આ લોકો પલાયન કરી રહ્યા છે એ વાતની સ્પષ્ટતા પર થોડા દિવસ પહેલા ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ ભાજપાના જે છે સી આર પાટીલે પણ કરી હતી અને એને અપીલ પર કરી હતી કે લોકો શહેર ના છોડે, શહેરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો લોકડાઉન નહીં આવશે. જો કે વાતની સ્પષ્ટતા ગુજરાત પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ પણ કરી હતી અને કહ્યું હતું ગુજરાતમાં કોઈ પણ પ્રકારનો લોકડાઉન સામે આવશે નહીં. ખાસ કર સુરતની વાત કરી લઈએ તો પરંડેસરા વિસ્તારમાંથી જે વડોદ ગામ આવેલો છે ત્યાં મોટી સંખ્યામાં પરપ્રાંતિ લોકો રહે છે, તેઓ અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ કરે છે અને ત્યાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો પલાયન કરી રહ્યા છે. જો કે એ લોકો કેમેરા પર તો કશું બોલવા તૈયાર નથી અને અલગ અલગ પ્રકારના બહાનાબાજી કરી રહ્યા છે. જો કે ક્યાંય ક્યાંય એ વાત સ્પષ્ટ છે કે લોકોમાં લોકડાઉનનો ડર છે અને લોકો શહેર છોડી રહ્યા છે. અમે યુપી કે રહેને વાલે હૈ સર, અભી સીઝન ચલ રહા હૈ, હોલી કા સીઝન હૈ ઓર ખેતીબાડી કા કામ હૈ, થોડા શાદી ભી હૈ ઘર મે, ઇસકી વજહ સે ગાંવ જા રહે હૈ. રેલવે કા ટિકટ મિલ નહીં રહા ઇસ સમય, ઇસકી વજહ સે પરેશાન હોકે બસ કા સફર કર રહે હૈ સર. सर रेलवे का टिकट मिल ही नहीं रहा है, बहुत सारा दिक्कत उठाना पड़ता है. सब ये तत्काल वाला सेवा चल गया इसकी वजह से. शहर में लॉकडाउन की स्थिति नहीं सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे हैं सर. कोई डर तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है ऐसा. गांव में शादी है और होली का त्यौहार भी आ रहा है और खेत काटना है ना, गेहूँ की कटाई भी चालू हो गई है, इसलिए जा रहे हैं. अचानक से गांव जाने की तैयारी, मतलब कहीं डर तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है, लॉकडाउन का तो कोई डर नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ रहा है खेत और त्यौहार की वजह से. कितने लोग हैं आपके साथ में? कम से कम 5-6 लोग हैं और दूसरी जगह के भी लोग हैं. ये खेत वेत काटना है त्यौहार की वजह से और कोई लॉकडाउन की वजह से नहीं. रेलवे का टिकट नहीं मिल रहा इसलिए बस की. जी यहाँ पर हम मजदूरी करते हैं. डर और तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं. जाना पड़ा? अरे मेरे लड़के की बहुत सीरियस है तबीयत खराब है, इसलिए जा रहे हैं. नहीं, हम नहीं जाते. बाकी कोई डर तो नहीं? नहीं, कोरोना रहना कोई डर नहीं. नहीं, वो नहीं जा रहे, हम भी जा रहे हैं, बहन शादी है बहन का. किसी तरह का डर तो नहीं है? नहीं, किसी का डर नहीं है, डर होता तो हम भी जाते ना. किसी का डर नहीं है, जा रहे हैं, शादी है, गेहूं काटेंगे अपना. वो दूसरे को बैठाया अपने बदले में कारीगर, फिर जब जा रहा है सेंट से अपना हिसाब लेकर पूरा बोला सेट को एक हफ्ते में, दो हफ्ते में आ रहा काम वाम खेती का, जब ख़त्म हो जाएगा 15 दिन लगे या 1 हफ्ता लगे तब आ जाएगा. बोला ठीक है, अच्छा जाओ खेती का काम करके आओ, गेहूँ जो साल में खाना है जो माता पिता को खिलाते पिलाते हैं तो उसको किधर से खिलाएगा, जब खेत में नहीं काटेगा बिनेगा तो कौन बिनेगा, फिर खेत में रह जाएगा क्या फ़ायदा है. इसलिए उसको काटने को खेती का अलग काम है, शादी का भी काम आ गया, घर का शादी भी है बहन का, तो उसका भी जाना ज़रूरी है, इसलिए जा रहे हैं. मैं वार्ड नंबर 29 से कॉरपोरेटर हूँ और मुझे कल से पता चला है कि कुछ जो ट्रेवल्स वाले हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि 25 तारीख से लॉकडाउन लग जाएगा और 25 तारीख से पहले जिसको गांव जाना है वो चले जाए. जब कल मुझे पता चला तो मैं बड़ौद गांव में गई, वहाँ पर भी मैंने लोगों को समझाया, बाद में मैंने पुलिस कार्रवाई भी करवाई और सब जो बस वाले थे बस वालों को बुलाया पुलिस स्टेशन में. तो आज बड़ौद गाँव से लोग नहीं जा रहे हैं, आज ये बस वालों ने बमरोली, ये अपने तेरे नाम जो रोड है यहाँ से इन्होंने बस लेकर के जा रहे हैं. मैंने समझाया कि देखिए लॉकडाउन लगने वाला नहीं है. हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय सी आर पाटिल जी ने एक वीडियो भी उन्होंने डाला है सोशल मीडिया पे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा और स्थिति बहुत सामान्य है. डॉक्टर्स वगैरह जो टीमें हैं हमारी सब तैयार हैं, सूरत को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है.
संजय सिंह राठौर, गुजरात तक सूरत।